गढ़चिरौली शहर में नगर परिषद की पाइपलाइन में एक शव मिला है। ये शव जामोर्शी रोड स्थित पाइपलाइन से मिला है। तो यह शव विवेकानंद नगर में रहने वाले एक मानसिक रूप से मंद आदमी का बताया जा रहा है। इसलिए नगर परिषद गढ़चिरौली के कामों पर शहर के लोगों ने काफी रोष प्रदर्शन किया है। ये लाश 3 दिनों से पानी के पाइपलाइन में फंसी थी, लेकिन इस पर नगर परिषद से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। गढ़चिरौली में नगर परिषद की पाइपलाइन में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चामुर्सी रोड स्थित पाइपलाइन में मिली यह लाश विवेकानंद नगर के मंदबुद्धि इंसान की है। 3 दिनों से पानी के पाइपलाइन में यह शव फंसा हुआ था। यह शव मिलते ही उसे सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया है, जबकि इस घटना से शहर में खलबली मची है। शहर के लोगों ने नगर परिषद द्वारा पानी पाइपलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले पर जांच शुरू की जाए। 3 दिनों से लोगों द्वारा वही पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के विषय पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और नगर परिषद की सुरक्षा पर सवाल उठाया गया है। वीकेबी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से सतीश पारधी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।